हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। ये मेरा सेकंड डे का आउटफिट है ईद का और बहुत कंफर्टेबल है। पता है मैंने इसमें हेवी नहीं लिया था, कॉटन में बहुत कंफर्टेबल है, बहुत अच्छा है, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ये मेरा सेकंड डे का ईद का लुक है, तो प्लीज बताइए कैसा लगा। अच्छा, मेरा बेटा गुस्से में है। क्यों गुस्से में पता नहीं, बस हम लोग फिर यहाँ से सारा पैक वगैरह करके और अब हम निकल गए हैं रियाद से जुबैल के लिए। ये मेरी पुरानी क्लिप्स हैं, ये पता नहीं किधर खो जाती हैं। इतनी वीडियोस होती हैं ना, तो सब मैं एक में मर्ज करके और मैं आप लोगों के लिए जो मैंने वीडियो शूट करी है तो मैं चाहती हूँ आप लोगों को दिखाऊँ। और अब हम लोग निकल गए हैं जुबैल के लिए। भूख बहुत तेज़ लगी थी, बच्चे भी बोलते कुछ खाना है, तो हम लोगों को पेट्रोल स्टेशन में एक डंकिन डोनट्स दिखा, तो वहाँ पर हमने कॉफ़ी और डोनट्स वगैरह लिए और उसके बाद हम लोगों ने खाया और अब हम निकल गए घर के लिए। और उसके बाद थोड़ा ही देर, 2 आवर्स और लगते हैं हमें घर के लिए, और फिर बहुत तेज़ भूख लगने लगी और हम अपने मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट स्वाद आ गए। क्या करें, उसका खाना ही ऐसा है कि हम अपने आप को रोक ही नहीं पाते हैं, हम बार बार स्वाद आ जाते हैं। तो बस भूख बहुत तेज़ लगी थी और हमने बोला जो जो हमें ऑर्डर करना था वो ऑर्डर किया। अच्छा, अब इनका एक ब्रांच ग्लैरिया मॉल जो फनातीर में है वो भी ओपन होने वाला है जल्दी, तो जो लोग मेन सिटी जुबैल में नहीं आना चाहते हैं तो वो फनातीर में भी इनका इंशाल्लाह जल्दी ओपन होने वाला है। और अपने बच्चों को प्यार करना चाहिए जैसे मैं अपने बेटे को प्यार कर रही हूँ। और बस मेरा मोस्ट फेवरेट यहाँ की बिरयानी और सीख कबाब टिक्का एंड गुलाब जामुन मुझे बहुत पसंद है। मुझे जल्दी कोई चीज़ पसंद नहीं आती है, बट मुझे स्वाद का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस हम लोग, क्योंकि बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो हम लोग जो है जल्दी जल्दी सर्व करके मैंने हस्बैंड को सर्व किया, फिर मैंने और फिर मैंने अपने बेटे को। और मेरा बेटे का तो टिक्का इतना फेवरेट है कि वो सोचता है कि बस सारा हम उसे ही दे दें टिक्का। मैंने बोला पहले इसे तो फिनिश कीजिए। तो बस हम लोगों ने अपना डिनर इंजॉय किया है और मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि जो लोग जुबैल में रहते हैं वो ज़रूर स्वाद आए और इंजॉय करें। एक फ़ाइन डाइनिंग अगर आप ढूंढ रहे हैं जुबैल में तो वो स्वाद से बेहतरीन मुझे नहीं लगता है कि कोई फ़ाइन डाइनिंग है जुबैल में। और मुझे प्राइस भी ठीक ठाक लगते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मुझे ठीक ठाक लगते हैं। तो बस हम लोग फिर उसके बाद यहाँ के जो ओनर थे ना उनसे मुलाकात हुई, उनसे दुआ सलाम वगैरह हुई और वो इतने अच्छे थे यहाँ के ओनर, माशाल्लाह बहुत अच्छे थे। उन्होंने फिर हम लोगों के लिए एक गाना कि अच्छा आप चैनल पे हैं तो हम लोगों के लिए एक गाना उन्होंने गाया है और सुनिए आप उनका बेहतरीन आवाज़। But you're all